लॉकडाउन के दौरान फूलों की खेती करने वाले किसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा गाज गिरी है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के रजौकरी इलाके के फार्म हाउस की दिखा रहे हैं, जहां पर फूलों की खेती करी जाती थी और ये खेती अब इस समय बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है। लॉकडाउन 3 चल रहा है और लॉकडाउन में कोई भी दुकानें नहीं खुल रही, फूलों की जो मंडियाँ हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हैं, जिसकी वजह से ये जो फूल हैं अब खेतों में ही सूख कर गिरने को मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ, जिन फूलों से अक्सर कहीं की शोभा बढ़ती थी शादी और अच्छे अच्छे समारोह में ये फूल जो काम आया करते थे, अब ये फूल जो है खेतों में ही सूख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के रजौकरी इलाके की, जहां पर इन फूलों की खेती करी जा रही थी। कई एकड़ में इन फूलों को देखिए आप, जो यहां पर लगे हुए हैं ये अब पूरी तरीके से सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं इन फूलों की खेती करने वाले किसान भी अब खाने और पीने की चीज़ों को लेकर मोहताज हैं, क्योंकि इन खेती से ही इन सभी का जो है गुजर बसर हुआ करती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से इन फूलों की कदर करने वाला कोई नहीं है, और इस वजह से जो फूलों की खेती करने वाले किसान हैं वो बेहद ही परेशान नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कई एकड़ों में जो फूलों की खेती है वो यहीं पर अब सूखती हुई नज़र आ रही है। लगातार हर तरीके से सरकार ने हर किसानों को सहूलियत दी है, वहीं फूलों की खेती करने वाले किसान भी अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी कोई मदद करे, क्योंकि ये खेती जो है साल में एक बार होती है और इसी खेती से ये इसकी खेती करने वाले किसानों के परिवार का गुजर बसर होता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद आप देखिए किस तरीके से जो फूलों की मंडियां हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से अब जो फूल के ख़रीदार हैं वो नहीं हैं, और साथ ही साथ जो फूल मंडियों में पहुंचने चाहिए थे अब वो मंडियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, खेतों में ही ये फूल जो है सूख रहे हैं, और इसकी वजह से किसान बेहद चिंतित हैं। साथ ही साथ वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग भी जो हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि इतने एकड़ में जो फूल है इनकी कीमत तकरीबन लाखों रुपए की होती है, क्योंकि ये जो फूल हैं काफ़ी महंगे फूल होते हैं और अधिकतर ये फूल जो हैं शादी समारोह में या किसी अन्य कामों में जहाँ पर भी होते थे वहाँ ये जाया करते थे। लेकिन अभी मंडी बंद होने की वजह से ये फूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो बेहद परेशान हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार को इन किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तस्वीरों में देखिए कई एकड़ में अलग अलग किस्म के जो फूल हैं उनकी खेती करी गई, और वो पूरी तरीके से जो खेती है अब बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो गर्मी साथ ही साथ दूसरी तरफ जो लॉकडाउन है वो है, जिसकी वजह से जो फूल जो है मंडी में जाने चाहिए थे अब ये मंडी में फूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। रोहन सत्रोहन, ये जो किन किन फूलों की खेती यहाँ पर आप लोगों ने करे? हमारी फूलों की खेती सर जो है डेलिया है, गुलदावरी है, स्टाइटस है, और लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया है, और इसी से मेरा परिवार चलता था, मेरा साल भर का परिवार इसी में पलता था, और आपको लोगों से यही निवेदन है मेरा कुछ जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, क्या यहाँ पर ये जो फूल है कहाँ सप्लाई करते थे आप लोग, कहाँ बेचने जाते थे? मेरा फूल का सप्लाई जी यही छतरपुर मंडी में होता था। अच्छा, हाँ जी। तो अभी ये सूख गए फूल, क्या किस वजह से सूख गए, यानी जा नहीं पा रहे कि पानी वो नहीं दे रहे आप लोग, क्या दिक्कत क्या हुई? ये जो है लॉकडाउन की वजह से हम लोग मंडी नहीं जा पा रहे हैं, मंडी बंद हो गई है सर। अच्छा, नहीं तो ये सीजन में आप लोगों के फूल बिकते थे? हाँ जी, इसी सीजन में मेरा फूल बिकता था। कितना एकड़ है ये जमीन? ये पौने तीन एकड़ है। पौने तीन एकड़? हाँ जी। तो कितने लोगों का परिवार आप लोगों का? हमारे लोगों का परिवार 6 लोगों का है। अच्छा, तो गुजर बसर इसी से होती है? इसी से सारा गुजर बसर होता था जी। सरकार का? मेरा नाम रामस्वरूप है जी। रामस्वरूप जी, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर फूलों की खेती होती थी? एक्चुअली कि ये एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे मैं फॉरेस्ट में सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और ये सामने ही फील्ड जो है फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो मैं पानी देने आता था तो देखता था कि इनके बेचारों के बहुत सारे फूल हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। तो मैंने ऐसी बातों में इनसे पूछा भैया ये आपकी ज़मीन है किनकी? तो बोले कि हम ज़मीन तो हमारी नहीं, हम तो किराए में लेके और यहाँ पर फूल उगाते हैं। और ये फूल, फिर मैंने इनसे फूलों की कीमत पूछी तो इन्होंने बताया कि करीब करीब 6 लाख के करीब इनकी कीमत थी फूलों की। तो मैंने कहा आपका तो बहुत नुकसान हो गया, तो ये तो बेचारे रो रहे थे, तो मैंने कहा देखो रोना तो नहीं चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपकी ना आवाज़ जो है आगे तक पूछे, हमारे जो भी यहाँ के जो नेता वगैरह है, स्थानीय जो नेता है उन तक हम आपकी बात पहुँचाएँगे कि आपको कुछ राहत मिले। ठीक है, आपको मुआवजा 6 लाख तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपका साल भर आपके जो बच्चे वगैरह है वो उनका खाने पीने का व्यवस्था हो जाए, तो इसलिए हम ये आप चाहते हैं कि आप, मैं ये मीडिया से भी चाहता हूँ कि ये बात हमारे जो स्थानीय नेता है जो भी हैं यहाँ के मैरोली ज़िले के उन तक ये बात पहुँचे और इन लोगों का ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाए।